हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, जिसमें आज पढ़ेंगे लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड। मीनिंग ऑफ द एब्सर्ड, यानी एब्सर्ड शब्द का अर्थ क्या होता है, हु कॉइंड द टर्म एब्सर्ड, इस टर्म को किसने शुरू किया, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्या होता है, हु कॉइंड द टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, इस टर्म की किसने शुरुआत की, और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एब्सर्ड थिएटर, इन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं एम एच अब्राहम से। देखिए, एम एच अब्राहम में शुरू में एब्सर्ड का कोई अर्थ नहीं बताया है, तो पूरे वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि टॉपिक थोड़ा कठिन है। एब्सर्ड जो शब्द है, इसका अर्थ होता है हिंदी में बेतुका, विवेकहीन भी कह सकते हैं, मीनिंगलेस, असंगत, अर्थहीन कह सकते हैं। तो इसको समझने के लिए जो क्या कंडीशंस थी उसको समझिए। इसके जो कॉइन किया है जिस टर्म को, वो है अल्बर्ट केमू। तो उन्होंने कहा कि इस संसार में जो मनुष्य है वो एक अजनबी की तरह है, वह यह भी नहीं जानता कि इस दुनिया में वह क्यों है, उसे अपने होने का पर्पज भी नहीं पता, वह इस दुनिया में एक स्ट्रेंजर की तरह है। अतः उन्होंने इन सारी सिचुएशंस को जो है एब्सर्ड कंडीशन कहा है। देखिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स इज पर्पजलेस एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एब्सर्ड। उम्मीद करें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अब आगे इसका अर्थ पढ़ेंगे। तो एम एच अब्राहम कहते हैं कि जो लिटरेचर है एब्सर्ड वो क्या है। तो द टर्म एब्सर्ड इज अप्लाइड टू ए नंबर ऑफ वर्क्स इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन विच हैव इन कॉमन द सेंस, कि जो ये शब्द है एब्सर्ड ड्रामा और प्रोज फिक्शन के वर्क्स पर लागू होता है, जो जिनमें एक कॉमन सेंस होता है, एक सेंस पर आधारित है, कौन से, दैट द ह्यूमन कंडीशन इज एसेंशियल एब्सर्ड, कि जो मानव स्थिति है वो अनिवार्य रूप से एब्सर्ड है, अर्थहीन है, बेतुकी है, और जो स्थिति, जो लिटरेचर इस पर लिखी गई, इस कंडीशन पर लिखी गई, वो एब्सर्ड लिटरेचर है, एंड दैट दिस कंडीशन कैन बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, और इस एब्सर्ड की कंडीशन को, इस कंडीशन को पर्याप्त रूप से लिटरेचर के वर्क में प्रस्तुत किया जा सकता है, दैट आर देमसेल्फ एब्सर्ड, जो अपने आप में बेतुके हैं, अपने आप में एब्सर्ड हैं। तो यहाँ पर जो बात हमको समझ में आती है वो ये है कि वो लिटरेचर जिसमें ह्यूमन कंडीशंस इज एसेंशियल एब्सर्ड, इस बात को प्रस्तुत किया गया है, वो एब्सर्ड लिटरेचर है, और ऐसी लिटरेचर को प्रस्तुत करने के लिए जो हमें साहित्य की आवश्यकता होती है, वो साहित्य भी एब्सर्ड होना चाहिए, यानी कि बेतुकी बातें बेतुके साहित्य में ही होंगी। ये बात समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा है, द लिटरेचर हैज इट्स रूट्स ऑल्सो इन द मूवमेंट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म एंड सर्रियलिज्म। इस मूवमेंट की जो जड़ें देखने को मिलती हैं वो 20वीं शताब्दी के दो मूवमेंट हैं, एक्सप्रेशनिज्म और सर्रियलिज्म। और इसके साथ साथ जो फ्रेंच काफ्का का फिक्शन वर्क है द ट्रायल मेटामॉर्फोसिस 1920 के दशक का, इसमें इसकी जड़ें देखने को मिलती हैं। तो ये पॉइंट जो है आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये पॉइंट है आपका। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि इस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट था ये प्रभावित था
एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद से. तो दिस मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो अस्तित्ववाद से प्रभावित होकर लिखा गया था. ये अस्तित्ववाद क्या होता है इसको जानेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि इस मूवमेंट की जो शुरुआत होती है वो फ्रांस से होती है, और वर्ल्ड वार जो सेकंड था उसके दौरान ही इसकी शुरुआत होती है. तो द करंट मूवमेंट, इनके मूवमेंट ऑफ एब्जर्ड हाउएवर एमर्ज्ड इन फ्रांस, फ्रांस में इसकी शुरुआत होती है आफ्टर द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड. वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसकी भयावह स्थिति के बाद इसकी शुरुआत होती है. बहुत ध्यान से समझना. देखिए जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा होता है तो उस ये वर्ल्ड वार सेकंड समाप्त होता है हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराए जाते हैं, परमाणु बम गिराए जाते हैं. तो उसके कारण बहुत लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं. तो क्या दोष था? तो ऐसी क्योस की कंडीशन सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी पूरे वर्ल्ड में. लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो है ही क्यों, उसका क्या उद्देश्य है, क्यों इंसान जो है अन्याय सह रहा है, क्यों वह इस दुनिया में जो है, यानी कि इस दुनिया में जो क्रियास की स्थिति थी, जो विषमता की स्थिति थी, जो बवंडर की स्थिति थी, तो ऐसी ही असंगत जो बातें थी उसी को एब्जर्ड मूवमेंट कहा गया, उसी से शुरुआत हुई. तो एज द रिवेलियन अगेंस्ट एसेंशियल बिलीफ्स एंड वैल्यूज ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, तो जो उसमें पारंपरिक कल्चर की जो वैल्यूज थे, विश्वास थे, उनके विरोध में और जो ट्रेडिशनल लिटरेचर थी उसके विरोध में इस मूवमेंट की शुरुआत होती है. तो अगला पॉइंट बनता है कि इस मूवमेंट को जो माना जाता है वो 1950s और 1960s के बीच का ये मूवमेंट माना जाता है. तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. अब समझते हैं कि जो उस समय ट्रेडिशनल लिटरेरी कंडीशन थी, जो बिलीफ थे, ट्रेडिशंस थी, वो क्या थी. तो देखिए ये बात है कि ह्यूमन बींग्स आर फेयरली रेशनल क्रिएचर. तो उसमें माना जाता था कि मनुष्य एक काफ़ी हद तक एक तर्कसंगत प्राणी है. तो तर्कसंगत प्राणी है वो सही बात करता है, विवेक से काम लेता है, उसके जीवन का एक अर्थ है. लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार की स्थिति आती है, वर्ल्ड वार सेकंड समाप्त होता है, तो ऐसी क्योस की स्थिति होती है, मनुष्य अपना उद्देश्य ही नहीं समझ पाता. दे लिव इन एट लीस्ट पार्शियली इंटेलिजिबल यूनिवर्स, वे कम से कम आंशिक गूढ़ संसार में तो रहते हैं जिसकी थोड़ी बहुत समझ है. दे आर पार्ट ऑफ एन ऑर्डर्ड सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि मनुष्य जो है एक व्यवस्थित सामाजिक संरचना का हिस्सा है, जीवन सुचारू रूप से चलता है, जीवन का एक उद्देश्य है, सामाजिक संरचना व्यवस्थित है. दे मे बी कैपेबल ऑफ हीरोइज्म एंड डिग्निटी इवन इन डिफीट, मनुष्य हार की स्थिति में भी अपने डिग्निटी को, अपने सम्मान को बनाए रखता है, अपने हीरोइज्म को बनाए रखता है, यानी कि वो अपनी जो ह्यूमन स्थिति है उससे नीचे गिरना नहीं चाहता. तो ये जो कंडीशन थी वो एक सभ्य समाज की कंडीशन है, एक जो आइडियल समाज होता है उसकी कंडीशन थी. लेकिन जब वर्ल्ड वार सेकंड होता है उसके बाद कहाँ कंडीशन आइडियल रह गई, फिर तो एक क्योस की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा. तब इस टर्म का कॉइन होता है. तो इस टर्म की शुरुआत होती है, इस मूवमेंट की शुरुआत होती है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद. तो हु कॉइन द टर्म एब्जर्ड, पहला प्रश्न तो यही उठता है कि इस टर्म को किसने कॉइन किया. तो ये थे आपके फिलोसफर, फ्रेंच फिलोसफर अल्बर्ट केमू, केमस नहीं है ये केमू है, अल्बर्ट केमू, इन हिज फिलोसफिकल एसे द मिथ ऑफ
सिसिफस। तो इनकी जो रचना है ऐसे है, मिथ ऑफ सिसिफस 1942 में पब्लिश होता है। तो इसमें इस एब्सर्ड टर्म को ये देते हैं। इसमें एक फ्रेज आई है, द ह्यूमन सिचुएशन इज एसेंशियली एब्सर्ड एंड डिवाइड ऑफ पर्पस, कि मानव की जो स्थिति है वो आवश्यक रूप से एब्सर्ड है, यानी कि बेतुकी है, मीनिंगलेस है, डिवाइड ऑफ पर्पस और उद्देश्य रहित है, यानी कि मानव अस्तित्व है वो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो देखिए इनका जो ऐसे है मिथ ऑफ सिसिफस, तो जो सिसिफस है वो एक जो ग्रीक मैथोलॉजी का एक करैक्टर है। इसकी इस कहानी को समझते हैं तब आपको एब्सर्ड स्थिति समझ में आ जाएगी। देखिए सिसिफस की कहानी सुनिए। सिसिफस एक ग्रीक मैथोलॉजी का करैक्टर है। उसने देवताओं की अवहेलना की और डेथ को जंजीरों से बांध लिया, और उसके जंजीरों के बांधने का उद्देश्य था ताकि किसी भी इंसान की मृत्यु ना हो। जब अंततः मृत्यु मुक्त हो जाती है और खुद सिसिफस के मरने का समय आ जाता है, तो ऐसे में सिसिफस जो है मृत्यु लोक से भाग जाता है, वहां से बच निकल के भाग जाता है। फिर लास्ट में पकड़ा जाता है, सिसिफस लास्ट में पकड़ा जाता है। तो क्या होता है कि अब देवता लोग उसके लिए एक ऐसी सजा का प्रावधान करते हैं, ऐसी सजा का फैसला करते हैं जो अनंत काल तक चलती रहे। तो ये जो पहाड़ की चोटी होती है नुकीली, तो इस पहाड़ की नुकीली चोटी पर एक बड़ा सा जो चट्टान होती है, पहाड़ की बहुत बड़ी चट्टान, तो उससे कहते हैं कि इस चट्टान को इसके ऊपर जो है स्थिर करना है। तो आप जानते हैं कि चट्टान ऐसी स्थिति में यहां रुक तो सकती नहीं, तो ये क्या करता है यहां पर चढ़ाता है तो फिर यहां गिर जाती है, फिर यहां से चढ़ाता है फिर यहां गिर जाती है। तो ऐसे ही वो अनंत काल तक इस चट्टान को चढ़ाता और उतारता रहता है और यहां पर स्थिर नहीं कर पाता। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा जो अल्बर्ट केमू है वो कहते हैं कि सिसिफस इस काम में लग जाता है और चट्टान को पहाड़ की चोटी पर ठहराने का निरंतर प्रयास में लगा रहता है। तो वह इस काम को अपना लक्ष्य बना लेता है। कौन? सिसिफस। तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऐसा जो कार्य है वो कैसा है, यूजलेस है, मीनिंगलेस है। हमारे लिए तो मीनिंगलेस है, लेकिन सिसिफस के लिए मीनिंगलेस नहीं है, उसके लिए अर्थ है। कौन सा अर्थ है? कि अगर इस काम से मैं पूरा कर देता हूं तो मुझे काम से मुक्ति मिल जाएगी, ये सजा से मुक्ति मिल जाएगी। तो हमारी नजरों में तो जो काम है ये बेतुका है, लेकिन बहुत लोगों की जिस जो ये काम कर रहा है उसके जीवन में उसके लिए तो बेतुका नहीं है। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है, अपनी एक अलग दुनिया होती है, वो दुनिया में खुश रहता है। जरूरी नहीं पागल व्यक्ति हमारे लिए तो बेतुका है, लेकिन उसकी एक अपनी दुनिया होती है। अब एग्जाम्पल समझिए, इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया है। वो कहते हैं कि आजकल जो मॉडर्न समय में लोग ऑफिस में और फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो सुबह जाते हैं और शाम को ऑफिस से लौट कर आते हैं, अगले दिन फिर सुबह जाते हैं, फिर लौट कर आते हैं, फिर सुबह जाते हैं, फिर लौट कर जाते हैं। तो इस प्रकार उनके जो काम का है वो मीनिंगलेस है, लगे हैं इस काम में, लगे हैं। तो ऐसी स्थिति को, ये स्थिति कुछ लोगों की नज़रों में बेतुकी है और जो कर रहे हैं उनके लिए मीनिंगफुल है। तो कोई भी स्थिति, तो ये पर यहाँ कहना चाह रहा है कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव
साइड ही नहीं होती, उसकी डार्क साइड भी होती है और हर व्यक्ति का अपना एक अस्तित्व होता है। तो उम्मीद करें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो ऐसी स्थिति को एब्सर्ड स्थिति कहा गया है। तो जीन पॉल सार्ट्रे और अल्बर्ट केमू है द प्रोमिनेंट फिलोसोफर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म हैव व्यू दैट। तो वो व्यू देते हैं। तो ये जो लिया गया है ये पैसे, ये भी आपका एम एच अब्राहम से ही है। वो कहते हैं अ ह्यूमन बीइंग इज एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंस, कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक अपना अलग अस्तित्व होता है। हु इज कास्ट इंटू एन एलाइन यूनिवर्स, और ये व्यक्ति एक इस यूनिवर्स में भेजा गया है जो उसके लिए विदेशी है, उसके लिए क्या है, उसके लिए अजनबी है। एज पजेसिंग ऑफ नो इनहेरेंट, सॉरी फिर से पढ़ते हैं इसको, अ ह्यूमन बीइंग एज एन आइसोलेटेड एग्जिस्टेंट, कि इस संसार में जब मनुष्य आया है तो एक इंसान का इस संसार में, इस यूनिवर्स में अपना एक अलग अस्तित्व है, उसकी एक अपनी अलग दुनिया है। हु इज कास्ट इंटू एन एलाइन यूनिवर्स, जो इस विदेशी ब्रह्मांड में, इस अजनबी ब्रह्मांड में भेजा गया है। टू कंसीव द यूनिवर्स एज पजेसिंग नो इनहेरेंट ट्रूथ, इस ब्रह्मांड को समझने में के लिए भेजा गया है जिसमें कोई भी अंतर्निहित सत्य नहीं है, इस संसार में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है। एंड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन लाइफ, जिसमें मानव जीवन को प्रतिनिधित्व कर सके, यानी कि इस दुनिया में जो मानव जीवन है जो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, तो उसका ना तो कोई सत्य है, ना तो कोई वैल्यू है, ना ही कोई अर्थ है। इन इट्स फ्रूटलेस सर्च फॉर पर्पस एंड मीनिंग, और जो इस संसार में जिस उद्देश्य के लिए और जिस अर्थ के लिए वो तलाश रहा है, एज इट मूव्स फ्रॉम द नथिंगनेस, क्योंकि वह शून्यता की ओर बढ़ रहा है। जब इंसान जा रहा है आगे की ओर तो उसे पता है मौत की ओर जा रहा है। वेंस इट कम्स टूवार्ड द नथिंगनेस, और वह नथिंगनेस शून्यता से ही कोई संसार में आया था। वेयर इट मस्ट एंड, और वहीं पर इसका समाप्त होना है। एज एन एग्जिस्टेंस, वो एक ऐसे अस्तित्व में है विच इज बोथ एंग्विश्ड एंड एब्सर्ड, जो पीड़ादायक भी है और साथ में एब्सर्ड भी है, मीनिंगलेस भी है। तो ये बात उन्होंने कही है। तो इस बात से हमको जो बात समझ में आती है वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस संसार में जो मनुष्य है उसकी एक अलग दुनिया है, और इस संसार में जो वो तलाश रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, उसके जीवन का कोई सत्य नहीं है, और उसका जो अस्तित्व है भी तो वो कैसा है, वो दर्द भरा है और बेतुका है। तो जो इसके जो मेन राइटर्स हैं वो आपके फ्रेंच काफ्का, जीन पॉल सार्ट्रे, सैमुअल बेकेट, यूगेन लेनेस्को और अल्बर्ट केमू, ये आपके मेन राइटर्स हैं। और सैमुअल बेकेट की जो वर्क है, ड्रामा है वेटिंग फॉर गॉडर्ड, तो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, यानी कि एब्सर्ड लिटरेचर का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब बात आती है कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है। हु कॉइन्ड द टर्म द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो एब्सर्ड है वो कॉइन की थी अल्बर्ट केमू ने, ध्यान रखना अल्बर्ट केमू ने, और किस वर्ग में, मिथ ऑफ सिसिफस। और इन्होंने
थिएटर ऑफ एब्जर्ड कौन किया है? मार्टिन एसलिन ने। और मार्टिन एसलिन ने थिएटर ऑफ एब्जर्ड नाम से ही एक वर्क पब्लिश कराया और ये सर्वे वाला वर्क है द थिएटर ऑफ एब्जर्ड 1961 में। तो थिएटर ऑफ एब्जर्ड है क्या? तो इसमें लिखा है थिएटर ऑफ एब्जर्ड ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ सर्टेन यूरोपियन एंड अमेरिकन ड्रामेटिस्ट ऑफ 1950s एंड 1960s हु एग्रीड विद द एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर अल्बर्ट कैमू असेसमेंट इन एसे द मिथ ऑफ सिसिफस 1942 दैट द ह्यूमन सिचुएशन इज एसेंशियल एब्जर्ड डिवाइड ऑफ पर्पस। तो थिएटर ऑफ एब्जर्ड की जो शुरुआत होती है वो अमेरिकन और जो यूरोपियन ड्रामेटिस्ट होते हैं नॉवलिस्ट होते हैं वो 1950 के दशक में और 1960 के डिकेड में इसको शुरुआत करते हैं। और इस जो अस्तित्ववादी फिलासफर होते हैं अल्बर्ट कैमू, तो उन्होंने जो असेसमेंट दिया था अपने मिथ ऑफ सिसिफस में, तो इससे प्रभावित होकर के ये थिएटर ऑफ एब्जर्ड की स्थापना करते हैं। तो जो इस कंडीशंस पर, जो एब्जर्ड की कंडीशन पर, सिचुएशन पर जो प्ले लिखे गए थे, तो वो प्ले थिएटर ऑफ एब्जर्ड कहलाते हैं। और इसके जो ड्रामेटिस्ट हैं वो सैमुअल बेकेट हैं, हैरोल्ड पिंटर, यूगेन लेनेस्को, जीन जेनेट और आर्थर एडमोव। और फेमस है सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर द गोडॉट और द बर्थडे पार्टी है हैरोल्ड पिंटर का, ये इंग्लिश प्लेराइट हैं। अब बात करते हैं कि जो थिएटर ऑफ एब्जर्ड है इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके जो प्ले लिखे जाते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स आपकी क्या है। तो पहला है भाई, आप जानते हैं कि मार्टिन एसलिन ने थिएटर ऑफ एब्जर्ड को कॉइन किया था और इन्होंने थिएटर ऑफ एब्जर्ड की जो करैक्टरिस्टिक्स बताई थी वो ये हैं। दीज आर एंटी प्लेस, दीज प्लेस हैव नो प्लॉट, और कह सकते हैं लॉजिकल इलॉजिकल स्पीचेस होती हैं इसमें और मीनिंगलेस प्लॉट्स होते हैं। तो ये प्लॉट्स आपके, ये जो प्ले हैं ये एंटी प्लेस होते हैं। तो एंटी प्लेस का मतलब है इसमें कोई कहानी नहीं होती, बस इलॉजिकल बातें होती हैं, स्पीचेस होती हैं और प्लॉट जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, कहीं की बात कहीं होती है। और ऑल द प्लेस एम्फसाइज द एब्सर्डिटी ऑफ द ह्यूमन कंडीशन, और जितने भी प्लेस हैं उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि जो ह्यूमन कंडीशंस हैं इस संसार में वो मीनिंगलेस हैं, एब्सर्ड हैं। दूसरे क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस पर प्रश्न उठाया जाता है, जो सामान्य से प्रश्न है कि हम इस संसार में जीवित क्यों हैं, व्हाई वी आर अलाइव इन दिस यूनिवर्स, व्हाई वी हैव टू डाई, हमको मरना क्यों पड़ता है, व्हाई देयर आर इन दिस यूनिवर्स सफरिंग्स एंड इनजस्टिस, कि इस संसार में मुसीबतें अन्याय क्यों है, ये संसार जो है ये बिना अर्थ का है। तो ये जो इन कंडीशंस पर, इन करैक्टरिस्टिक्स पे लिखा गया जो प्लेस हैं वो है थिएटर ऑफ एब्जर्ड। और मेन प्लेराइट जो रहे हैं सैमुअल बेकेट, वेटिंग फॉर गॉडॉट, हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी, यूगेन लेनेस्को का द वॉल सोप्रानो द लेसन, और दूसरे जो प्लेराइट हैं जीन जेनेट, एडबार एबली एलबी टॉमस, टॉम स्टॉपार्ड और आर्थर एडमोव। तो उम्मीद करें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।